नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं अजय वर्मा आप सभी का इस रिपोर्ट में स्वागत करता हूं। दर्शकों, फरीदाबाद का सेक्टर 11 बीती देर शाम गोलियों की गूंज से उस समय दहल उठा जब सफेद कार पर आए दो लोगों ने दिल्ली के रहने वाले बाइक सवार एक युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उसे मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की टीम गहनता से जांच में जुट गई। शुरुआती जांच में पुलिस इसे रंजिश के चलते हत्या करने का मामला मान रही है। बताया जा रहा है कि हत्या उस समय हुई जब यह युवक सेक्टर 11 के जिम से बाहर निकला था और बाइक से जाने के लिए तैयार था, तभी उस पर फायरिंग की गई। इस हत्या की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। इस मामले में जिम संचालक रोहित ने बताया कि बल्लू पहलवान अक्सर 4 से 7 के बीच में आया करता था। बल्लू पहलवान ने उन्हें बताया था कि उनका किसी से झगड़ा चल रहा है, इसलिए समय बदल कर जिम में आता है। 6:20 की बात है, तो ये जो इसका आधार कार्ड मिला जिससे नाम आइडेंटिफाई हुआ है, ये सूरज बानू बल्लू पहलवान के नाम से इसका आइडेंटिफाई हुआ है। तो अभी प्राइमरी जांच में ये पता लगा इनकी आपसी कोई रंजिश है और ये दीदानपुर दिल्ली नजफगढ़ में रहने वाला है। तो अभी इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है, सारी इसके वारिस बुलाए हैं मौके पर और अभी हमारी सीनो क्राइम टीम, हमारे डीसीपी साहब, सीपी साहब भी मौके पे आए हैं और अभी प्राइमरी इन्फॉर्मेशन ये है कि इनकी आपसी कोई रंजिशन कोई मामला है। सर, लगा क्या था, इन्फॉर्मेशन क्या मिली, हुआ क्या था, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या थी? यही हुआ ना कि कुछ लोग इसको गोली मार के गए हैं, तो उस पर मौके पर पहुंचे, अभी तफ्तीश चल रही है, जैसी इन्फॉर्मेशन बताएंगे। सर, कौन है ये मृतक और फायर हुई है, कितने लोग आए थे, कुछ पता लगा कौन थे? अभी जो प्राइमरी हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसमें दो लोग कैमरे में दिखाई दे रहे हैं और व्हाइट कलर की कोई गाड़ी है और उसमें दो लोग आए हैं, उन्होंने फायर किया। सर, कुछ बार का शक जताया जा अभी शक है हमारा, अभी हमने मैसेज उनको दे दिया है और अभी आएंगे फिर डिटेल पूछताछ। सर, मृतक का कोई संबंध लॉरेंस गैंग से भी बताया जा रहा है? ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है, इन्वेस्टिगेशन अभी हम करेंगे, जैसे बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।